सर्कुलेशन में आज भी आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का रेयर और स्कैश सिक्के मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में 1 रुपये के एक रेयर सिक्के के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो काफी कीमती है, हाई वैल्यूएबल है और कलेक्टर्स बहुत पसंद भी करते हैं और हाई प्राइस देके बाई भी करते हैं। और ये सिक्का आपको सर्कुलेशन में भी मिल सकता है, आसानी से मिलेगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मिल सकता है। और ये जो 1 रुपये का सिक्का है, इसमें एक तो रेयर आता है, एक म्यूल आता है और एक स्कैश कैटेगरी का आता है, अलग अलग मिंट के। तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। यहाँ पर है 10 रुपये के कुछ सिक्के, 10 रुपये के कुछ सिक्के, ये सिक्का भी आज भी आपको सर्कुलेशन में मिल सकता है। भारत के 3 अलग अलग मिंट से आया था, तो कौन सा मिंट रेयर है, कौन सा मिंट स्कैर्स है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मैंने बाय किया है, किस प्राइस में बाय किया है, क्यों बाय किया है, कितने क्वांटिटी में बाय किया है और आने वाले समय में इसका वैल्यू, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही है 10 रुपये का ये सिक्का, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये एक फोल्डर में रखा है, ये एक एरर है, इसी 10 रुपये का एक एरर है, तो इसका वैल्यू कितना मिल सकता है वो भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साइड स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं वीडियो का थंबनेल, इस वीडियो का लिंक या फिर नोटिफिकेशन अगर अभी भी आप तक नहीं पहुंचा है तो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। म्यूल और डाई वैरायटी के अगर PDF आपको चाहिए, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के साइड में, ऐसा PDF अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, instagram.com/newspage। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर सिंपल आप इंस्टाग्राम पे जाइए, न्यू स्पेस सर्च कीजिए, जो आप लोगो देख रहे हैं वही लोगो आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये जो लिंक है इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्पेटिक चैनल न्यू स्पेस। एक रुपये के इस सिक्के का थीम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये सिक्का 2 अलग अलग मिंट से आया था, एक है बॉम्बे और एक है हैदराबाद, कोलकाता मिंट और नोएडा मिंट से डॉक्टर B.R. अंबेडकर वाला ये सिक्का इशू नहीं किया गया है। अब इसमें जो बॉम्बे मिंट आता है आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में है, लेकिन ये सिक्का UNC कंडीशन में अगर है तो बॉम्बे मिंट भी बिकता है। हैदराबाद मिंट आज की डेट में स्कैच कैटेगरी में आता है, हैदराबाद मिंट आपको अगर बहुत घिसा पीटा अगर है तो नहीं बिकेगा, बाकी अगर अच्छा कंडीशन है, वेरी फाइन, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन UNC में हैदराबाद मिंट आज की डेट में आपको बिक जाएगा और स्कैच में आता है और कलेक्टर्स पसंद भी करते हैं। ये एक सिक्का हो गया और ये सिक्का आया था 1990 में। इसका जो एज आप देख रहे हैं, देखिए मिलेट एज है, इसमें आपको प्लेन एज और सिक्योरिटी एज, सिक्योरिटी एज वाला बहुत कीमती होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, और अगर प्लेन एज में आता है तो नॉर्मल जो सिक्के का वैल्यू है, चाहे वो बॉम्बे हो, हैदराबाद हो, आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। ये एक सिक्का हो गया। अब दोस्तों ये जो सिक्का है ये है, इसे कहते हैं ICDS या फिर 15 ईयर्स ऑफ ICDS, 1990 का सिक्का है, ये भी 1990 में आया था। अब दोस्तों ये भी कॉपर निकल का सिक्का है, अच्छा सिक्का है, UNC BONC में बिक जाता है, और इसका जो एज आता है ये भी देखिए मिलेट एज में आता है, इसमें भी आपको एज वैरायटी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर हो गया 2 सिक्का। अब दोस्तों इसमें आता है एक म्यूल, डॉक्टर B.R. अंबेडकर वाला ये जो सिक्का आप देख रहे हैं इसमें एक म्यूल वैरायटी आता है। तो बॉम्बे मिंट जो है वो अगर UNC में है तो बिक जाएगा, हैदराबाद मिंट अगर है तो हैदराबाद मिंट अच्छा कंडीशन से UNC कंडीशन में आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा, प्राइस क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये आता है इसमें एक म्यूल, तो म्यूल कैसा दिखता है, कैसे आप पहचानेंगे, आइए वो जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये है डॉक्टर B.R. अंबेडकर 1 रुपये का सिक्का, ये है रिवर्स साइड, ये है ओवर साइड। इस सिक्के में आपको रिवर्स और ओवर्स में एक अलग डिजाइन देखने को मिलेगा, ये डॉटेड सर्कल, यहां पर देखिए ये
डॉटेड जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं, ये डॉट एक सर्कल में है इसीलिए ये एक डॉटेड सर्कल, ये ओवर्स में, और ये देखिए ये है रिवर्स में। मेरे पास जो सिक्का था इसमें भी अगर आप देखेंगे, देखिए ओवर्स में देखिए डॉटेड सर्कल और रिवर्स में देखिए डॉटेड सर्कल, और ये आया था 1990 में। यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, देखिए नॉर्मल इशू एक है, इसके बाद देखिए ICDS वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये है रिवर्स साइड, ये जो मैंने आपको बताया ICDS 15 इयर्स ऑफ, तो इसका ओवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका रिवर्स मुंबई का और इसका ओवर्स देखिए, तो इसमें है डॉटेड सर्कल ओवर्स और रिवर्स में, इसमें देखिए डॉटेड सर्कल नहीं है, प्लेन डिजाइन है जो नॉर्मल सिक्का में होता है। ये भी आया था 1990 में, 15 इयर्स ऑफ ICDS। एक सिक्के को समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा दोस्तों, देखिए 15 इयर्स ऑफ ICDS 1919 ए मतलब मुंबई मिंट। अब इसके बाद देखिए अंबेडकर जी के जो सिक्के हैं ये भी देखिए 1990 मुंबई मिंट ए मतलब मुंबई, तो ये भी 1990 में आया था, ये भी 1990 में आया था। अंबेडकर जी के सिक्के में ओवर साइड में डॉटेड सर्कल है, ICDS के सिक्के में ओवर साइड में डॉटेड सर्कल नहीं है, और दोनों ही 1990 के सिक्के हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो समझना पड़ेगा वो है देखिए यहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के एक और देखिए सिक्के हैं रिवर्स साइड, और ये है देखिए ओवर साइड, यहां पर देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1990, लेकिन इसमें जो चेंजेस है वो है देखिए रिवर्स साइड में डॉटेड सर्कल है, ओवर साइड में डॉटेड सर्कल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आपने देखा ये जो नॉर्मल सिक्के हैं इसमें रिवर्स साइड में भी डॉटेड सर्कल है और ओवर साइड में भी डॉटेड सर्कल है 1990, लेकिन इस सिक्के में देखिए रिवर्स साइड में डॉटेड सर्कल है लेकिन ओवर साइड में डॉटेड सर्कल नहीं है, ये भी 1990 का है। और इसे कहा जाता है देखिए म्यूल इशू। तो म्यूल क्यों है? क्योंकि आपने देखा जो 1990 में जो एक और सिक्का आया था ये ICDS वाला, इस सिक्के के ओवर्स में देखिए कोई डॉटेड सर्कल नहीं है, तो यही ओवर्स ICDS एक रुपए विदाउट डॉटेड वाला रिवर्स यूज किया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के डॉटेड वाले ये ओवर साइड में, तो इसमें डॉटेड नहीं है, ये डॉटेड सर्कल नहीं है, इसीलिए ये एक म्यूल है। मतलब जो रिवर्स साइड है ये नॉर्मल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो सिक्के हैं उसका रिवर्स है, और ये जो ओवर्स है इस सिक्के में ये है ICDS वाला, 15 ईयर्स ऑफ ICDS वाला जो 1990 में आया था विदाउट डॉटेड वाला वो ओवर्स है। ये बहुत कीमती सिक्का है ये म्यूल। उसके बाद बाकी जो उसका वेट क्या है, बाकी डायमीटर जो क्या है, एज क्या है, वो मैंने आपको बताया। अब देखिए 1990 मुंबई म्यूल, कमेंट्स में देखिए ओवर्स ऑफ 15 इयर्स ऑफ ICDS कॉइन ऑन द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉइन टाइप 5 ओवर्स, ये आप तो ये देखिए विदाउट ए डॉटेड सर्कल। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको सर्कुलेशन में मिल सकता है, ऐसा नहीं है आपको आसानी से मिल जाएगा। आसानी से अगर ऐसे सिक्के मिलते तो आज की डेट में 20-25 हज़ार कीमत नहीं होता। हाँ दोस्तों सही है, अच्छे कंडीशन में आज की डेट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये जो म्यूल है, म्यूल का वैल्यू है लगभग 20-25 हज़ार रुपये। फाइन कंडीशन में आपको, फाइन मतलब बहुत घिस गया है, ये लायन का फेस है, बहुत घिस गया है, बहुत यूज्ड है, अगर ऐसा है 7-8 हज़ार, उससे भी थोड़ा कम नीचे ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस। और अगर वेरी फाइन प्लस कंडीशन में है तो लगभग 10-12 हज़ार के आसपास, और अगर एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में है तो 15 हज़ार से 18 हज़ार के आसपास। उसके बाद UNC में मैंने आपको कहा 20 से
25,000। इसका जो प्राइस था इस म्यूल का पहले बहुत ज्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे एक दो करके जब सामने आ रहा था ये म्यूल, फिर उसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला म्यूल मेरे पास भी है, ये देखिए, आप देखिए डॉटेड सर्कल नहीं है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर डॉटेड सर्कल है। तो मेरे कलेक्शन में ये म्यूल दो हैं, एक में सेल करूंगा और एक में अपने पास ही रखूंगा। दोनों का जो कंडीशन है लगभग सेम ही कंडीशन है। इसके बाद दोस्तों ये जो 10 रुपए का सिक्का है, ये मैंने, ये है देखिए BUMC कंडीशन में 60 यार्ड्स ऑफ द पार्लियामेंट, और ये है कोलकाता का सिक्का 10 रुपए का। ये सिक्का आज की डेट में स्कैच कैटेगरी में आता है और भारत के चारों ही मिंट से ये सिक्का इशू किया गया था। यहाँ पर मेरे कलेक्शन में जितने भी है आप देख सकते हैं, और कुछ यूज्ड कंडीशन के भी हैं, जिसे जो मैंने मुझे सर्कुलेशन से मिला था, लेकिन ये मैंने बाय किया था 300-400 के हिसाब से, थोड़ा सा हाई कीमत में मेरे ख्याल से ये मैंने बाय किया था, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, 400 में लिया, जब 1400 होगा तब मैं सेल करूंगा, क्योंकि मेरा तो जल्दी नहीं है सेल करने के लिए। लेकिन कोलकाता मिंट अगर हो सके तो आप भी कलेक्ट कीजिए, और हैदराबाद मिंट, ये दोनों ही आज की डेट में स्कैच कैटेगरी में आता है 10 रुपए का ये 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट वाला। आने वाले समय में आपको अच्छा वैल्यू दिलाएगा ये, 100% आप श्योर रहिए। और ये जो है यहाँ पर देखिए 10 रुपए का ये इनर कोर शिफ्टिंग, देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ये जो सेंटर, जो स्टील का मतलब कॉपर निकल का ये जो सेंटर है, ये देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो ये नॉर्मल अगर इसका 400 आज की डेट में मिलता है तो इसका मुझे मिलेगा लगभग 500 से 600 के आसपास, क्योंकि ये एरर है तो थोड़ा ज़्यादा मुझे मिलेगा। तो आपके कलेक्शन में इनमें से मतलब 1 रुपये बी आर अम्बेडकर या फिर 10 रुपये 60 यार्ड्स ऑफ पार्लियामेंट वाला, इनमें से कौन सा सिक्का है मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके पास ये म्यूल है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ICDS वाला अगर है अच्छे कंडीशन में तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर जुड़िए instagram.com/nimishpage। निमिष पे चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।